नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब रिक्रूटमेंट 2021 के लिए, और ये है ये यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा रहेगा एस बैंक, तीसरा रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इन तीनों बैंकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है और कितने सारे पोस्ट है, कौन कौन से लोकेशन पे ये अवेलेबल है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या शेयर चैट से भी जुड़ सकते हो। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप फिलहाल फुल है, उसके लिए मैं दूसरा एक लिंक क्रिएट करके, दूसरा ग्रुप का लिंक क्रिएट करके मैं आपको दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज का सवाल ये है कि इंडिया में कितने बैंक्स है, हाउ मेनी बैंक्स इन इंडिया। तो ए में है 61, बी में है 71, सी में है 81, डी में है 91। तो इसका भी जो सही आंसर है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे ए बी सी डी के तौर पे भी आप दे सकते हो। दोस्तों इसका सभी का लिंक जो है हमारे वेबसाइट में मैं दे दिया है, www.jobdekho.me पर आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों बैंक के जितने सारे बैंक हैं, सब बैंक के जो लिस्ट है वहाँ पे जॉब है आप देख पाएंगे। दोस्तों जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ओपन होगा हमारी वेबसाइट jobdekho.me, और यहाँ पे आपको सबसे पहले थोड़ा नीचे आना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी देख सकते हो और कोई भी प्राइवेट जॉब भी यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जो जॉब बैंक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है दोस्तों आपको येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहले येस बैंक जहाँ पे निकला है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लाइंट रिलेशनशिप पार्टनर का जॉब निकला है, और इस जॉब जो है दोस्तों डायरेक्ट बैंक का हायरिंग रहेगा। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बैंक में ही इंटरव्यू आपको देना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको जो जॉब डेजिग्नेशन जैसे मैंने आपको बताया है, क्लाइंट रिलेशनशिप पार्टनर आपको मिलेगा। इसका जो जॉब रोल है यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने आप यहाँ पे मेंशन किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इस जॉब के लिए, और आपका डिपार्टमेंट रहेगा बैंकिंग। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एज लिमिट है वो 18+ होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। ये इसका जो जॉब लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र का। ऑफिशियल लिंक और अप्लाई नाउ का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे जाके आप एस बैंक में इस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एस बैंक का जो है फॉर्म मैंने लिंक का दे दिया है, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। दूसरा जो जॉब है दोस्तों ये रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में दोस्तों यहाँ पे निकला है सेल्स ऑफिसर का, और सेल्स ऑफिसर में ये भी डायरेक्ट कंपनी का जॉब रहेगा, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, डायरेक्ट आपको बैंक में ही इसका जॉब आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों सेल्स ऑफिसर का जॉब निकला है, और जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है, चेकआउट कर सकते हो। इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों 1 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड का हो आपको बेहतर रहेगा। यदि बैंकिंग रिलेटेड है तो सबसे बढ़िया रहेगा। दोस्तों इस जॉब के लिए आपको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे जो जॉब ऑफर कर रहा है कोटक महिंद्रा के बैंक की तरफ से वो रहेगा दोस्तों 2,25,000 से लेकर के 3 लाख रुपए पर ईयर आपका जॉब हो सकता है, सॉरी सैलरी आपका हो सकता है। जॉब लोकेशन रहेगा दोस्तों इसके लिए आपको दिल्ली एनसीआर में रहेगा, और इसको अप्लाई करने के लिए आपका जो रेज्यूमे है, सीवी है, उनको जो है आपको इन मेल एड्रेस में फॉरवर्ड करना होगा, सॉरी ऑफिशियल जो है मेल आईडी है यहाँ पे जैसे सेंड करेंगे तो आपको रिप्लाई बैक आ जाएगा। और अगला जो है दोस्तों बैंक ऑफिसर ब्रांच बैंकिंग है, ये है दोस्तों ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, ये भी आपको जो है बैंक हायरिंग कर रहा है। यहाँ पे जो आपका रेजिग्नेशन रहेगा दोस्तों ये रहेगा बैंक ऑफिसर ब्रांच बैंकिंग कासा डिपार्टमेंट रहेगा, और ये भी परमानेंट फुल टाइम जॉब है। दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए दोस्तों 1 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके लिए दोस्तों आपका जो सैलरी आपको मिल रहा है वो बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पे ऑफर कर रहा है। यहाँ पे यदि आप वॉकिंग इंटरव्यू जाएंगे तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एड्रेस, यहाँ पे जाके वॉकिंग इंटरव्यू दे सकते हो, और कॉन्टैक्ट पर्सन है सौरभ, इनसे जाके अभी आप बात कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। देखो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।